एक नया इंडिकेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको बोलते हैं स्कैल्प प्रो, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप स्टडीज के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर स्कैल्प प्रो इंडिकेटर दिख रहा है, ये भी आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डेमो दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ अप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर अप में आया, आपने नीचे नोटिस करा होगा यहाँ पर अप में आपको दिखाई दिया। अभी यहाँ पर जस्ट डाउन में इंडिकेशन आया, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करता हूँ ट्रेड फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस करी है, डाउन के लिए मुझे मिला था, एक कैंडल पहले मिला था, बट लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। Hey guys, what's up? मैं हूं दिग्विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। बायनमो एक्स प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बहुत क्वेरीज आ रही थी कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, जब बायनमो का ऑलरेडी एक ऐप है तो दूसरा ऐप किस रिगार्डिंग है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या हमें ये यूज करना चाहिए या नहीं, किन यूजर्स को ये यूज करना चाहिए एंड किसके लिए बेसिकली ये ऐप है, सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, सब आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है एंड एक न्यू इंडिकेटर जो इस प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया है, क्या उसका यूज है, किस तरीके से आपको उसको यूज करके ट्रेड लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये है बायनमो एक्स का प्लेटफॉर्म। आप में से काफी सारे यूजर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज थी कि इसको एक बार डिटेल्ड वीडियो में एक्सप्लेन करो। इंटरफेस वाइज अगर आपको बताऊं यहाँ पर, अगर जो पुराना बायनमो का ऐप है, काफी ज्यादा बेटर इंटरफेस इसका मुझे लगता है, काफी कैची लगता है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है और मजा आता है इसके ऊपर ट्रेड करने में। की फीचर्स, सबसे पहली चीज आप यहां पर मल्टीपल एसेट्स सेलेक्ट कर सकते हो, दो से तीन एसेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर एक टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहां पर क्रिप्टोइड सेलेक्टेड है, जीबीपी एनजेडी सेलेक्टेड है, एंड देन यहां पर आप एक और एसेट सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से ऑड एनजेडी। अब इसका मतलब यह है कि आप तीनों एसेट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो जस्ट विद अ क्लिक, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एंड वापस उस एसेट पे नहीं मूव करना पड़ेगा। ये आपको हेल्पफुल तब होगा जब आप मल्टीपल मार्केट्स को एक साथ एनालाइज कर रहे हो। आप लेट्स से आप तीन मार्केट्स आपके लिए प्रेफरेबल लग रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पर, आपको किसी भी एक मार्केट में ट्रेड लेनी है, आपके पास विद वन क्लिक आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर सकते हो जब भी आपको वैसा एक एंट्री पॉइंट मिलता है। सेकेंडली यहाँ पर जो फीचर है, यहाँ पर कॉल बैक का फीचर है, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है, ये डायरेक्टली आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मैनेजर्स के साथ जो भी वीआईपी यूजर्स हैं। सबसे पहली बात, ये ऐप सिर्फ वीआईपी जो स्टेटस है या फिर उससे हायर स्टेटस है उसी के लिए अवेलेबल है, उन्हीं यूजर्स के लिए है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वीआईपी यूजर बनने के लिए आपको $1000 का मिनिमम डिपॉजिट आपका होना चाहिए एंड अगर आपको प्रेस्टीज स्टेटस के ऊपर जाना है तो वहां पर आपका अराउंड 2 लाख समथिंग का आपका अमाउंट उसके अंदर होना चाहिए इन INR। तो इस तरीके से आपको ये स्टेटस मिलता है और ये डिपॉजिट जो आपका पूरा एक मंथ में काउंट होता है। उसके अलावा बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं वीआईपी यूजर्स बनने के एंड प्रेस्टीज यूजर बनने के, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसके अंदर आपको डायरेक्टली एक क्लिक के ऊपर मिलता है कि आप यहाँ पर कॉल रिक्वेस्ट करो एंड उनसे बात करो, जो भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज, रिगार्डिंग योर विड्रॉल डिपॉजिट्स, जो भी आपकी इश्यूज है प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आप यहाँ पर उनसे रिजॉल्व कर सकते हो। कभी भी आप चाहो तो फोन नंबर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो आपने पुराना डाला है वो आप चेंज भी यहाँ पर कर सकते हो। एक नया इंडिकेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको बोलते हैं स्कैल्प प्रो, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप स्टडीज के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर स्कैल्प प्रो इंडिकेटर दिख रहा है, ये भी आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डेमो दिखाऊंगा। लेट्स इसको मैं अप्लाई करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको नीचे एक लाइन दिख रही है एंड आपको ग्रीन एंड रेड डॉट्स दिख रहे हैं, तो और क्लियरली आप इंडिकेट किया था कि अब यहाँ पर डाउन में मार्केट जाने वाला है और ग्रीन का मतलब है कि अब अप में जाने वाला है। लेट्स अभी अप में जा रहा है तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ अप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर अप में आया, आपने नीचे नोटिस करा होगा यहाँ पर अप में आपको दिखाई दिया, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है, एक आपको सॉलिड लाइन है और ये लाइंस आपको इंडिकेट करती हैं जब भी क्रॉसिंग होता है तब कि आपको अप में जाना है डाउन में जाना है। और वहां पर प्रॉपरली आपको विद लेटर्स बताया जाता है कि अप या डाउन, टाइमिंग कितना इसका होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने इसको टेस्ट करा है, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मिनट्स के लिए ये सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रेड प्लेस करी है इस इंडिकेटर को यूज करके, तो आपका 1 to 2 मिनट एटलीस्ट आपकी ट्रेड होनी चाहिए या फिर आप 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, उससे ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए आपको इस इंडिकेटर को यूज करके नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो टाइमिंग सेलेक्टेड है ग्राफ की, वो 5 सेकंड है, तो मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट कर देता हूँ। ओके, तो 1 मिनट यहाँ पर मैंने टाइमिंग कर दी है।
लास्ट जो इंडिकेटर किया था इस इंडिकेटर ने वो अप में किया था और अभी यहाँ पर ये डाउन में हमें शो कर रहा है। लेट्स सी हम इस ट्रेड को फिनिश होने देते हैं एंड कैसा रिजल्ट रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम आगे नेक्स्ट ट्रेड हम लेंगे। और यहाँ पर पूरी कैंडल हमें पलटती हुई दिख रही है लास्ट के कुछ सेकेंड्स के अंदर, 3 to 4 seconds के अंदर, और बहुत ही क्लोज मार्जिन से यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है। 7,400 rupees हमारा प्रॉफिट हमें मिल चुका है। इंडिकेटर ने हमें पहले इंडिकेट किया था अप के लिए, जहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें अप के लिए इंडिकेट किया, जहाँ पर डाउन है उससे पहले, एंड इसी के ऊपर मैंने डायरेक्टली ट्रेड ली है। कुछ भी मैंने नहीं देखा मार्केट कैसे चल रहा है, और बीच में फिर वहाँ पर डाउन का भी सिग्नल आया, बट हमने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड प्लेस की हुई थी, इसलिए हमने दोबारा दूसरी ट्रेड प्लेस नहीं करी। सेकेंड एक और ट्रेड लेते हैं स्कैल्प्रो को यूज करके। अभी यहाँ पर जस्ट डाउन में इंडिकेशन आया, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करता हूँ ट्रेड फॉर 4,000 rupees। अभी जस्ट मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ये डेमो अकाउंट चल रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरीके से इंडिकेटर वर्क करता है, कैसे आपको इसको यूज करना है। कंप्लीटली अप डाउन के ऊपर नहीं जाना है, ये मेरा एनालिसिस है, बट आपको लाइव दिखाना भी मेरा काम है। अगर आप डायरेक्टली इसके अप एंड डाउन बटन के ऊपर जा रहे हो या फिर इंडिकेशन के ऊपर जा रहे हो, तो आपको हमेशा सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है फिर प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए प्लेटफॉर्म पे जितनी भी चीजें होती हैं, हमेशा बोलता हूँ सबकी सब चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं है, कैसे यूज करना है वो आपका आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कैल्प्रो को यूज करो, तो इसके साथ आपको या तो कोई और इंडिकेटर यूज करना चाहिए, या फिर आपको प्राइस एक्शन भी फॉलो करना चाहिए, या फिर आप कोई चार्ट पैटर्न के थ्रू भी इसको फॉलो कर सकते हो। मतलब आपको 2-3 चीजें एक साथ इसमें वेरीफाई करनी है, एंड कॉन्फर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड होकर आपको ट्रेड नहीं लेनी है। चलिए, एक ट्रेड हमारी इसको यूज करके प्रॉफिट में गई थी, सेकंड ट्रेड अभी हमारी ऑलमोस्ट इक्वल पॉइंट पे, जिस प्राइस के ऊपर हमने प्लेस करी थी ट्रेड, वहीं पर हमारा अभी ट्रेड चल रही है। गाइस यहां पर देखिए, बहुत ही क्लोज मार्जिन से हमारी ट्रेड लॉस में हुई है, और अभी भी ये डाउन का ही दिखा रहा है, अभी यहां पर अप में इसने हमें इंडिकेट नहीं करा है। तो चलिए एक काम करते हैं, और डाउन में उसका नेक्स्ट कैंडल जा भी रही है नीचे, तो एक काम करते हैं और डेंसिटी में प्लेस करते हैं। यहाँ पर अभी हमें अप का इंडिकेटर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर अप में ट्रेड प्लेस करते हैं। अप का हमें यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे से जब सॉलिड लाइन क्रॉस कर रही है डॉटेड लाइन को, तब यहाँ पर हमें सिग्नल मिलता है। और यहाँ पर टाइमिंग सिर्फ मैं अभी 1-2 minutes की रख रहा हूँ, इसके अंदर मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बताने का कि आपको ट्रेड कब लेनी है। टाइमिंग आपको हमेशा 1-3 minutes के बीच में यहाँ पर रखनी है। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे अच्छा जो फीचर मुझे इसका लगता है वो है कॉल बैक का। सेकंड जो है इसका इंटरफेस, बहुत प्यारा इंटरफेस लगता है, मतलब आपको ट्रेड करने में खुद से भी मजा आता है। थर्ड इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इंडिकेटर स्कैल्प्रो आपको एक एडिशन मिलता है, बट इतना कुछ हेल्पफुल नहीं है। यस, आपको हेल्प हो सकती है, इंडिकेटर्स आपको बाकी भी है, बाकी इंडिकेटर्स भी आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, एंड मे बी आपको स्कैल्प्रो भी दे दे अगर आप उस तरीके से आप हैंडी हो गए तो, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि आप उसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म यूज करो। तो मेन फीचर्स हैं आपको VIP एंड ये ट्रेड भी हमारी लास्ट ट्रेड जो है लॉस में गई है। फर्स्ट है जो VIP फीचर एंड जो कॉल बैक का है, सेकेंडली इंटरफेस, ये दो चीजें अच्छी हैं, एंड यस 3 assets आप एक साथ विजिट कर सकते हो, तो भी एक अच्छा फीचर है। चलिए अभी फिर से हमें आपके लिए दिया है, मैं आपके लिए यहाँ पर जा रहा हूँ एंड लास्ट ट्रेड में इसको ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। और ये जो जितने भी ट्रेड्स हैं ये अराउंड 1 minute या 2 minute की ट्रेड्स हैं। आई गेस ये ट्रेड थोड़ी कम सेकंड्स की लगी, आई गेस 40 seconds की ट्रेड प्लेस हुई है, बिकॉज ये डिजिटल टाइम पे चलता है जो बायनमो का इंटरफेस है, एंड आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए वो अराउंड 1-3 minutes यहाँ पर होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 minute होनी चाहिए, और 2 minutes या 3 minutes भी आप कर सकते हो। मैं बिकॉज यहाँ पर अभी शूट कर रहा हूँ और आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर इतना मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ जो इंडिकेटर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। आपके पास बहुत टाइम है, इस इंडिकेटर को भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बस आपको मल्टीपल सोर्सेज का यूज करना है, आपको एक इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर आपको नहीं जाना। और यही सारी चीजें मैं यूज करता हूँ सिंगल ग्रुप्स के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बायनोम एंड ऑल इन ट्रेड दोनों के लिए फ्री सिंगल्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, जहां पर आपको डेली सिंगल्स मिलते हैं, न्यूज के ऊपर मैं आपको अपना एनालिसिस देता हूँ, ट्रेड करता हूँ, एंड यहाँ पर आपको एक फ्री PDF कोर्स दिया जाता है ग्रुप में, आप जैसे एंटर करते हो, प्लस आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग मैं हेल्प करता हूँ। और रिसेंटली हमने स्टार्ट करा है कि मैं अपनी अमाउंट वहाँ पर मेंशन करता हूँ कि हर एक ट्रेड में मैं कितनी अमाउंट लेने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपसे कभी भी इस चैनल पर नहीं लिया गया। लास्ट 3 years से मैं सिंगल ग्रुप रन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से साथ हैं और अभी भी ट्रेड करते हैं, प्रॉफिटेबल है, बस आपको आना चाहिए कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है, मार्टिंगल कैसे यूज करना है, और एक सफिशियंट बैलेंस आपको अपने अकाउंट में रखना है। मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपका इतना डिपॉजिट होना चाहिए, बट फिर भी प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको एक सफिशिएंट बैलेंस आपके अकाउंट में रखना चाहिए, ये हमेशा मैं बोलता हूँ, जो कि सच्चाई है। बहुत सारे लोग इससे नहीं मैच करते हैं, बट ये सच्चाई है, हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, रियल अमाउंट से यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं प्रॉपरली, चीजों को देखकर, सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पर नहीं, जो सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा आपको ट्रेड लेनी है वही तरीका यूज करके।
अब यहाँ पर यूरो यूएसडी एसेट में डाउन का सिग्नल मिला था, बट थोड़ी देर पहले ही मिला था, अभी यहाँ पर जाना रिस्की है। अगर हम बात करते हैं ऑड एनजेडी की, ऑड एनजेडी में अभी आपका सिग्नल मिला था लेकिन थोड़ी देर पहले मिला था और वैसे ही मार्केट गया है, बट इसमें भी अभी यहाँ पर रिस्की है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई दूसरा एसेट, तो लेट्स से ऑड यूएसडी का देखते हैं। ऑड यूएसडी में अभी हमें डाउन का मिला है, एक कैंडल पहले मिला था, बट आई गेस अभी भी हम जा सकते हैं। 2 मिनट्स के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, अमाउंट पर ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर 30,000 रुपीज की फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस करी है, डाउन के लिए मुझे मिला था, एक कैंडल पहले मिला था, बट लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। अगर आपको डाउन का इंडिकेशन मिला है तो मेरे अकॉर्डिंग एक दो कैंडल तक एटलीस्ट जाना चाहिए, 2 से 3 मिनट का दिखना चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जा रहा है। कैंडल हाई का आप देख रहे हो एकदम से, जैसे ही यहाँ पर डाउन के सिग्नल मिला था उसके बाद से काफी ज्यादा नीचे आपको कैंडल देखने को मिल रही है। लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट रहता है। तब तक के लिए जो भी लोग सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, क्वेरी कीजिए, आपको प्रोसेस दिया जाएगा एंड आप विद इन 4 to 5 मिनट्स प्रोसेस कंप्लीट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगेन रिपीटिंग, कोई भी चार्जेस नहीं है, मेरे नाम पे कोई पैसे ले रहा है, मत एंटरटेन करो, बिल्कुल भी आपको बात नहीं करनी है, सब स्कैम है। बहुत सारी ऐसी फेक आईडीज बनी हुई जो मेरे नाम पे आपसे बात करते हैं, मत करो। सिर्फ ही 2 आईडीज है जहां पर मैं आपसे बात करता हूँ, ऑल इन ट्रेड के लिए अलग है एंड बाइनोमो के लिए अलग है। यहाँ पर आप मुझसे बात कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज है, जिस भी ग्रुप में आपको रिस्पेक्टिवली ज्वाइन होना है वहां पर आप मुझसे क्वेरी कीजिए, प्रोसेस लीजिए एंड आपको ज्वाइन किया जाएगा। ये देखिएगा इस काफी बड़ा डाउन में आपको हाई देखने को मिला है, एंड इस चीज की मैं बात कर रहा था। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे जाओगे तो आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, बट अगर मैं प्रायर मार्केट को देख रहा हूँ, सपोर्ट को देख रहा हूँ, तब मेरे को यहां तक मार्केट आने के चांसेस लगे। इसीलिए मैंने इंडिकेटर का भी मैंने देखा कि किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, एंड देन फिर मैंने अपना भी देखा कि मार्केट कैसे चल रहा है, उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस करी, और यही सही तरीका है। बिल्कुल भी प्योरली इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पर नहीं जाना है, और इंटरफेस बहुत प्यारा है गाइस। अगर आप लोग वीआईपी यूजर्स हैं तो इसको यूज करो, अगर आप वीआईपी यूजर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मोटिव है बनने के लिए। बेनिफिट्स तो हैं ही, कोई डाउट हो डायरेक्टली यहाँ पर आपको कॉल का सेक्शन दिया हुआ है, मुझसे कोई क्वेरी आप मुझसे कर सकते हो टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडीज के ऊपर, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी एंड ग्रुप ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी। हर एक फीचर, हर एक बेनिफिट आपको फ्री में यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। लास्ट 3 ईयर्स से कभी भी किसी से चार्ज नहीं किया गया और ना ही कभी आगे किया जाएगा। चलिए ये ट्रेड हमारी एंड होने वाली है 5 सेकंड्स के अंदर, बहुत बड़े मार्जिन से 30,000 रुपीज की ट्रेड थी। और जब भी आप रियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप हर एक चीज देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे यूजर्स मुझे पूछते हैं कि अपने वीआईपी अकाउंट है, फिर जो भी अकाउंट है, प्रेस्टीज अकाउंट है, कि आप इतने लैक्स के अंदर बैलेंस रख सकते हैं, क्या कोई सेफ है, क्या कोई इश्यू है क्या? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप अमाउंट रखते हो तो आपको आपका अकाउंट एक्टिव रखो, आप विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर आप स्केड्यूल करो। जब फॉर एग्जांपल आप वीक में एक बार विड्रॉ कर रहे हो, 2-3 बार डिपॉजिट करो स्मॉलर अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 विड्रॉल करने हैं तो उसको 5 पार्ट्स में विड्रॉल करो, आपको जैसे आप विड्रॉल करते हो फिर आप छोटी अमाउंट का डिपॉजिट कर दो। इस तरीके से अकाउंट को एक्टिव रखो। इसके रिगार्डिंग में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स को प्लेस करना चाहिए। फिलहाल के लिए कोई डाउट भी रहता है तो आप मुझसे पूछो, एंड ये इंडिकेटर जो है अच्छा है, यूज करो बट विद अ कॉन्फर्मेशन। चलिए ये था बाइनोमो एक्स के रिगार्डिंग मेरा पर्सपेक्टिव। आप लोगों को अगर अच्छा लगा, अगर आपको लगता है आपका थॉट मेरे से मैच करता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और अपना प्यार जरूर दिखाओ। इस वीडियो को लाइक करके अभी के अभी, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो जिन जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं किया। बहुत इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और आगे भी लेकर आऊंगा, तो अभी के भी सब्सक्राइब करो, एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जहां पर मैं सारी अपडेट शेयर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी वहां पर भी आपको कोई चार्जेस नहीं है। सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना है, क्वेरी करो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।